अस्सलाम वालेकुम जी, आज हमें हमारे लीडर इमरान खान ने हमारे सिख कम्युनिटी को जमान पार्क बुलवाया। हमारी परसों 14 तारीख को विसाखी है, हमारी ईद है, लेकिन आज हमारे साथ अपने हमारे मुर्शिद की मुलाकात हुई, हमारे बच्चों से मिले, हमारे बुज़ुर्गों से मिले, आज ही हमारी ईद हो गई है। और उन्होंने ईद के ऊपर हमें पूरी सिख कम्युनिटी को विशिंग दी है, ईद की मुबारकबाद दी है, और उन्होंने हमारे साथ जो वादे किए वो वादे वो कायदे आज़म वाले हैं। कायदे आज़म ने जब 1947 में जो अकलीतों के साथ वादे किए, उन्होंने अपनी 4 साल दौर में वो वादे पूरे किए, और अब भी उन्होंने आगे कहा कि जब हमारी हुकूमत आएगी हम इंशाल्लाह अकलियतों के वो ख्याल रखेंगे। जिस तरह से करतारपुर कॉरिडोर खुला और जिस तरह से हमारे गुरुद्वारे मंदिर चर्चेस को बनाया, जिस तरह से हमें एजुकेशन में प्रमोट किया गया, वो सारे वादे किए। लेकिन मैं एक बात और भी बताना चाहता हूँ कि आज हमने इमरान खान के साथ अफ्तारी भी की। अफ्तारी में आज हिंदू कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, तमाम मजहब के लोग, तमाम जबाने बोलने वाले लोग साथ थे। आज हमने अपने मुर्शिद के साथ बड़ी खूबसूरत अफ्तारी की। मैं पूछना चाहता हूं, मैं मीडिया से भी पूछना चाहता हूं कि या पीडीएम ने 75 साल हुकूमत यहां पे की, 75 साल यहां पे मुल्क पे काबिज रहे, कभी उन्होंने अपने वर्करों को, कभी इस तरह कौम को इकट्ठा किया? इस तरह कौम को या तो कायदे आजम ने इकट्ठा किया या आज इमरान खान इकट्ठा कर रहा है कि उनके साथ बैठ के उनके साथ अफ्तारी कर रहा है, उनके साथ खाना खा रहा है, उनको सबको प्यार दे रहा है, हमारे छोटे छोटे बच्चों को प्यार दे रहा है। मैं मीडिया को पूछना चाहता हूं कि क्या कभी इस तरह के सवाल आपने पीडीएम से किए हैं? मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप भगौड़ों से यह सवाल करें जो आज भाग के लंदन में बैठे हुए हैं, जो आज जिन्होंने जायदादें लंदन और स्विट्जरलैंड में जायदादें बनाई हुई हैं, उनसे पूछे, जिन्होंने बैंक स्विट्जरलैंड के बैंक भरे हुए हैं, उनसे आप पूछे कि क्या आपने कभी वर्करों को, कभी अपनी कौम को इस तरह मोहब्बत की है जिस तरह से आज इमरान खान दे रहा है? मैं आज शुक्रिया अदा करना चाहता हूं इमरान खान का कि उन्होंने सारी कौम को इकट्ठा किया, उस तरह इकट्ठा किया जिस तरह से 1947 में कायदे आजम ने इकट्ठा किया था। मैं समझता हूं कि आज के दौर के कायदे आजम वजीर आजम इमरान खान है। पिछले दिनों इमरान खान ने ईस्टर का केक काटा, इसी तरह दिवाली का केक काटा। हमेशा अकलियतों को इमरान खान ने इज्जत दी, वो इज्जत दी जिस तरह से कायदे आजम ने हमेशा इज्जत दी। इमरान खान ने मुसलमान हो, हिंदू हो, मसीही हो, जिस भी मज़हब का, जिस भी ज़ुबान का, उसको एक कौम बना के पाकिस्तानियों कह के पुकारा और कहा मेरे पाकिस्तानियों। हर पाकिस्तानी कौम को इमरान खान ने हमेशा ओन किया, इसलिए हम इमरान खान के शुक्रगुजार हैं। वो हमारे मुर्शिद हैं, सियासी मुर्शिद हैं, क्योंकि उनके बगैर सियासत, आज पाकिस्तान की सियासत इमरान खान के बगैर बिल्कुल अधूरी है। इसलिए इमरान खान, जिस तरह से कई मीडिया चैनल्स ने कहा कि इमरान खान आज जो है वो उसके इर्द गिर्द सियासत घूम रही है, और हम ये समझते हैं कि जो अकलियती कौम है वो सब के सब आज इमरान खान के साथ खड़े हैं, क्योंकि इमरान खान वाहद लीडर है जिसने अकलियतों को वो हकूक दिए हैं जिसका वादा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। जी अस्सलाम वालेकुम जी, आज हमें हमारे लीडर इमरान खान ने हमारे सिख कम्युनिटी को जमान पार्क बुलवाया। हमारी परसों 14 तारीख को विसाखी है, हमारी ईद है, लेकिन आज हमारे साथ अपने हमारे मुर्शिद की मुलाकात हुई, हमारे बच्चों से मिले, हमारे बुज़ुर्गों से मिले, आज ही हमारी ईद हो गई है। और उन्होंने ईद के ऊपर हमें पूरी सिख कम्युनिटी को विशिंग दी है, ईद की मुबारकबाद दी है, और उन्होंने हमारे साथ जो वादे किए वो वादे वो कायदे आज़म वाले हैं। कायदे आज़म ने जब 1947 में जो अकली के साथ वादे किए, उन्होंने अपनी 4 साल दौर में वो वादे पूरे किए, और अब भी उन्होंने आगे कहा कि जब हमारी हुकूमत आएगी हम इंशाल्लाह अकलियतों के वो ख्याल रखेंगे। जिस तरह से करतारपुर कॉरिडोर खुला और जिस तरह से हमारे गुरुद्वारे मंदिर चर्चेस को बनाया, जिस तरह से हमें एजुकेशन में प्रमोट किया गया, वो सारे वादे किए। लेकिन मैं एक बात और भी बताना चाहता हूँ कि आज हमने इमरान खान के साथ अफ्तारी भी की। अफ्तारी में आज हिंदू कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, तमाम मजहब के लोग, तमाम जबाने बोलने वाले लोग साथ थे। आज हमने अपने मुर्शिद के साथ बड़ी खूबसूरत अफ्तारी की। मैं पूछना चाहता हूं, मैं मीडिया से भी पूछना चाहता हूं कि या पीडीएम ने 75 साल हुकूमत यहां पे की, 75 साल यहां पे मुल्क पे काबिज रहे, कभी उन्होंने अपने वर्करों को, कभी इस तरह कौम को इकट्ठा किया? इस तरह कौम को या तो कायदे आजम ने इकट्ठा किया या आज इमरान खान इकट्ठा कर रहा है कि उनके साथ बैठ के उनके साथ अफ्तारी कर रहा है, उनके साथ खाना खा रहा है, उनको सबको प्यार दे रहा है, हमारे छोटे छोटे बच्चों को
प्यार दे रहा है। मैं मीडिया को पूछना चाहता हूँ कि क्या कभी इस तरह के सवाल आपने पीडीएम से किए हैं? मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप भगौड़ों से यह सवाल करें जो आज भाग के लंदन में बैठे हुए हैं, जो आज जिन्होंने जायदादें लंदन और स्विट्जरलैंड में जायदादें बनाई हुई हैं, उनसे पूछे, जिन्होंने बैंक स्विट्जरलैंड के बैंक भरे हुए हैं उनसे आप पूछें कि क्या आपने कभी वर्करों को, कभी अपनी कौम को इस तरह मोहब्बत की है जिस तरह से आज इमरान खान दे रहा है। मैं आज शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इमरान खान।